हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक और ट्रीट। मेरा नाम है रजनी और आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हम 1.5 गिलास बिरयानी वाले चावल और 2 गिलास पानी लेंगे। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बिरयानी का पानी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने कुकर में 2 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें 4 से 5 साबुत प्याज और 1 लहसुन की गांठ को डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। अब इसमें साबुत मसाले, जिसमें 2 दालचीनी, 4 से 5 साबुत इलायची, 2 तेज़पात के पत्ते, 4 से 5 जावित्री के फूल, 8 से 10 साबुत काली मिर्च और 8-10 लौंग डालकर 4 से 5 सीटियां कुकर में ले लेंगे। अब हमने अपने चावलों को अच्छी तरह धो लिया है और इसमें पानी डालकर इसे भिगो देंगे। अब हमने 400 ग्राम पनीर क्यूब्स लिए हैं और 4 से 5 कटे हुए प्याज लिए हैं। इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। प्याज को हम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारी पनीर और प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम बिरयानी के लिए सब्जियां और ड्राई मसाले तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, 1/2 बाउल कटी हुई गोभी और बीन्स लिए हैं, 1/2 बाउल मटर और 1 कटी हुई गाजर ली है। ड्राई मसालों में हम 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक लेंगे, 4 से 5 जावित्री के फूल लेंगे, 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लेंगे। मैंने होममेड बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 बाउल में 3 टेबलस्पून मिल्क लेंगे और 1 पिंच केसर उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम 1/2 बाउल पुदीने के पत्ते लेंगे और 4 से 5 लंबे कटे हुए हरी मिर्च लेंगे। अब हम 1 कप दही लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे और 1-1 स्पून रेड और ग्रीन कलर लेंगे। अब हम 1 बाउल में 4 से 5 हरी इलायची लेंगे और इस तरह का केवड़ा वाटर जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, 1 टेबलस्पून इसमें डालकर इसे तुरंत ढक देंगे। आप चाहें तो केवड़ा वाटर की जगह केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा कुकर ठंडा हो चुका है और हम अपने बिरयानी के पानी को चेक कर लेते हैं। हमारे सारे मसाले अच्छी तरह उबल चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन को अच्छे से मसल लेंगे। आप चाहें तो किसी रई या विस्क से इस पानी को फेंट सकते हैं। अब हम इस पानी को एक छलनी में अच्छी तरह से मसल मसल कर छान लेंगे। हमारे बिरयानी का पानी तैयार हो चुका है और हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं। अब हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक हैवी पतीला लिया है, जिसमें हम तेल डालकर इसे गर्म करेंगे और इसमें जीरा और जावित्री के फूल ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब हमारी प्याज भुन जाएगी, तब हम इसमें कटी हुई सब्जियों को ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह शैलो फ्राई करेंगे। जब हमारी सब्जियां शैलो फ्राई हो जाएंगी, तब हम इसमें सारे ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब हमारे मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें फ्राइड पनीर डालकर अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स करेंगे और इसमें फिटा हुआ दही डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। हम इसमें अपनी केवड़ा वाटर वाली इलायचियों को डालकर इसे तुरंत ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे
केवड़ा वाटर की खुशबू इन सारी सब्जियों में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन सब्जियों में फ्राइड अनियन स्प्रिंकल करेंगे और पुदीने की पत्तियां भी स्प्रिंकल करेंगे। अब हमारे चावलों को भिगोए हुए 30 मिनट हो चुके हैं, अब उन चावलों का पानी निकाल कर हम अपनी सब्जियों पर अच्छी तरह इन्हें स्प्रेड कर लेंगे और इसमें तैयार किया गया बिरयानी का पानी ऐड कर देंगे। इस तरह बिरयानी का पानी तैयार करने से सारे मसालों का इस पानी में फ्लेवर आ जाता है और बिरयानी खाते समय साबुत मसाले मुँह में भी नहीं आते। अब हम इन चावलों पर फ्राइड अनियन स्प्रिंकल कर देंगे, पुदीने की पत्ती स्प्रिंकल कर देंगे, जो हमने केसर का दूध तैयार करा था वो डाल देंगे, हरी मिर्च स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद इस पतीले की किनारियों को हम गूंदे हुए आटे से अच्छी तरह से सील कर देंगे। अगर आप आटा ना लगाना चाहें तो आप इस बर्तन के ऊपर कोई भारी बर्तन रख सकते हैं। अब हम लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक अपनी बिरयानी को पकने देंगे। हमारी बिरयानी के चावल अच्छी तरह पक चुके हैं, अब हम इसमें बचा हुआ केसर का दूध मिलाएंगे, रेड कलर ऐड करेंगे, ग्रीन कलर ऐड करेंगे। हम इस कलर को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे ढक देंगे। मैंने लिक्विड कलर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो ड्राई कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी बिरयानी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। आप इसे फ्राइड अनियन और मिंट लीव्स के साथ गार्निश कर सर्व करें और इन्जॉय करें।